नमस्कार दोस्तों, गारमेंट्स का जो बारकोड या लेबल ब्यूटीफुल तरीके से कैसे बना जाते हैं, अब पूरा ये वीडियो देखिए दोस्तों। ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। ये जो बारकोड स्टिकर का जो रोल होती है, ये थोड़ा सा मतलब लंबा वाला होती है, यानी कपड़ों में हम इस तरीके से लंबा जो स्टिकर डालेंगे ना, तो थोड़ा बढ़िया दिखता है। इसका साइज हमने सबसे पहले जानना है। इसका साइज है दोस्तों 4 इंच का जो यानी लेंथ है, ठीक है जी, और इसको कम से कम 2 इंच का विड्थ है। आप देख सकते हैं 2 इंच करीब करीब 2 इंच का विड्थ है इसके, ठीक है जी। तो ये जो रोल जो है, हमने ये जो प्रिंटर जो आपको एप्सन L130 अभी कुछ टैग मैंने पिछले वीडियो में बना के दिखाया था आपको किस तरीके से ये बनाना है, हम यानी अलग तरीका से बना देंगे अभी, ठीक है जी। तो ये जो इसके अंदर से कैसा रबर निकालना है यानी स्टिकर निकालना है, आप क्या करिएगा, इसको आपने इधर से कट भी कर सकता है। एग्जैक्टली जो एक्स्ट्रा हो चुका है इसको खोलिए, प्रिंटर ऑफ करके खोलेगा तो बेस्ट है जी। इसको निकाल दीजिए और ये वाला जो स्टिकर निकाल दिया अपने हाथ में, और पीछे रखिए, अभी तो रखिए, बाद में लेके सामने रखेंगे, ठीक है जी, डोंट वरी। तो इसके अंदर से इसको गुजार देना, ठीक है जी, और इसको सामने कर देना। ये आपको पता है, यहाँ से दिखाइए थोड़ा, देखिए बस। और उसके बाद ये लेकर इस पोजीशन में रखिएगा और उसको पीछे घुमा दीजिएगा ताकि वो टाइट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए, और इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंसर है ना, इसको सामने इधर कर देना जितना हो सके उतना सामने कर दीजिए, क्योंकि वो जो सेंसर है ना, इसका बीच में जो गैप होता है ना, वो सेंस करने के लिए वो फैसिलिटी दिया हुआ गया, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने इसको सीधा बंद कर देते हैं, सीधा बंद कर दिया, बस इतना ही सेटअप है इसके अंदर, और कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन सिस्टम कुछ नहीं है जी, सिंपल वे में इसको लगा दिया आपने। तो उसके बाद एक बार प्रेस करने का टाइम ये इस तरीके से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये इसका भी हमने एक बार सेटिंग करना है, वो जो पेपर एक्स्ट्रा बाहर आया हुआ है उसको भी हमें आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। तो उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, हमने अपना जो सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे और सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एडिटिंग किया जाती है, सब कुछ दिखा देता हूँ। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है, हमने पेपर रोल यानी स्टिकर रोल अपना जो प्रिंटर में डाल दिया ऑलरेडी, और हमने रेनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर देंगे दोस्तों। इसमें सारे फैसिलिटी आपको, यानी बार कोड खुद डिज़ाइन करने के लिए और बल्क में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यानी गारमेंट्स का टी शर्ट वगैरह आया हुआ है या शर्ट आया हुआ है एग्जाम्पल के तौर, वो प्रोडक्ट को पहले ऐड करेंगे, फिर उसको बारकोड हम खुद बिल्ड करके प्रिंट आउट करेंगे और डिज़ाइन भी करेंगे बारकोड। ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, मेन ये जो वीडियो का मेन मतलब यही है दोस्तों, आपको खुद का बारकोड डिज़ाइन करके कैसे प्रिंट कर सकते, क्योंकि ये जो काली स्टिकर है ना, इसमें कैसे बारकोड प्रिंट किया जाती है, एक टू सेट आपको दिखा देता हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो सॉफ्टवेयर का आइकन इधर दिखाई देते हैं सबसे ऊपर में, आपको इधर डबल क्लिक करिए, ओपन करिए दोस्तों। ओपन करने के बाद इधर ADMIN और 1, 2, 3, 4, 5 डाल करके आपने ओपन करिए इसको, एकदम ब्यूटीफुल इंटरफेस है दोस्तों आपको, यानी Raintech POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन दिख रहा है। तो इसमें जो एक्सेल में बल्क अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है, इसके लिए आपने क्या करिए, देखो ये जो एक्सेल का एक टेम्पलेट मैंने इधर बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा एक्सेल टेम्पलेट किस तरीके से दिखता है। देखो इधर प्रोडक्ट का नेम यानी टी शर्ट करके लिखा हुआ है, पोलो टी शर्ट, ठीक है जी। इसका सबका पार्ट नंबर अलग अलग है, देखिए पार्ट नंबर इधर देख सकते हैं, इसको पार्ट नंबर को जगह पे आपने स्टिचिंग नंबर या मॉडल नंबर इस तरीके से भी डाल सकता है, और यानी इसका सारे का प्राइस भी अलग अलग है, देखिए सेल रेट अलग अलग है सबका, और इसका सबका XL डबल XL ट्रिपल XL साइज वगैरह है ना, सबका अलग अलग है, देखिएगा ये देखिए दोस्तों, या नाम सेम है। तो इसको सबको बारकोड क्रिएट करके टांगना है हमको, यानी ये सब फैसिलिटी करना है। तो ये जो टेम्पलेट हमने सीधा अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर देते हैं, वो किससे कैसे अपलोड किया जाती है, आप इसको देखिए इधर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बोल के जो ये जो दिया हुआ, देखिए इसको आपने क्लिक करिए दोस्तों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इम्पोर्ट बटन में क्लिक करिए, वो जो एक्सेल शीट आपने सेलेक्ट करिए और सेव करिए दोस्तों, सक्सेसफुली सेव हो गया, क्लिक सेकंड में सेव हो चुका इतना सारे प्रोडक्ट्स। अभी हमने क्या करना है, ये जो अपलोड किया प्रोडक्ट्स को बारकोड क्रिएट करना है।
तो बारकोड क्रिएट करने के लिए और डिजाइन करने के लिए सारे फैसिलिटी बारकोड का स्टूडियो बनाया गया हुआ दोस्तों यहाँ Raintech POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। यहाँ आपको दो यानी रिमोट यानी आइकन मिल जाएंगे, देखिए अपने ये देखो आपने प्रिंट मोड और बार कोड एडिट मोड। आप कोई भी एक यानी बार कोड को आपने खोल के देखिए, फॉर एग्जांपल हमने जो पोलो शर्ट ऐड किया था, कहाँ है वो पोलो, देखो ये जो सारे हमने अभी ऐड किया था, ये जो सारे आइटम्स देखिए पोलो टी शर्ट्स, ओके जी, इसको सबने सारे बार कोड क्रिएट करने वाले, अभी देखिएगा हमने कोई बार कोड रेडीमेड बार कोड इसके अंदर है उसको थोड़ा एक बार खोल के देखेंगे। पोलो शर्ट इसको ये क्लिक कर देते हैं हम, वन करके मैंने डाल दिया और देखिए आपने इसको क्या करिए, आपने कस्टम बार कोड एक बार कोड क्रिएट करिए, देखिए ये डबल बार कोड में आया है। हमने पहले जो डिज़ाइन किया था ये एक्चुअली क्या है ना, जो टी शर्ट वगैरह आइटम्स के लिए सूट नहीं है, क्योंकि टी शर्ट के लिए थोड़ा बड़ा यानी इस तरीके से, यानी मैंने जो टैग आपको दिखाया ये वाला टैग यानी 2x1 इंच का टैग कपड़ों में बिजनेस में इतना खूबसूरत नहीं लगता है, इसलिए करके आपने क्या करिए इसको क्लोज करिए। इसको डिज़ाइन हम चेंज करना सबसे पहले, यानी इसको स्टाइल हम चेंज करना है। तो स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो साइज है छोटा टुकड़ा साइज है उसको मतलब मज़ा नहीं है, उसमें कपड़े का कलर नहीं है, उसमें कपड़े का साइज नहीं है, उसमें कपड़े का क्या बोलते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डिटेल्स नहीं है, आपका एड्रेस नहीं है, वो कुछ नहीं है, नथिंग। उसमें क्या है सीधा सीधा आप देखिए दोस्तों, इसमें खाली बार कोड है, प्राइस है एंड यानी पोलो टी शर्ट लिखा हुआ है बस। इसमें से हमको मतलब फील नहीं हुआ, कस्टमर को भी फील नहीं करेंगे, आपको भी फील नहीं करेंगे। तो ब्यूटीफुल वे में किस तरीके से उसको बार कोड क्रिएट किया जाती है, डिज़ाइन किया जाती है, तो उसके लिए आपने देखो इधर क्लिक करिए दोस्तों, बार कोड एडिट मोड। बार कोड एडिट मोड में आप अपना माउस लगा करके अपने उसको बटन को दबाइए, देखिए उसके बाद वो जो टेम्पलेट में दोबारा खोलिए दोस्तों, ये वाला जो टेम्पलेट है ना इसको क्लिक करिए, उसको एक स्टूडियो आपको चालू हो जाएंगे स्टूडियो। ये स्टूडियो में आप कोई भी खेल खेल सकते हैं दोस्तों। इसमें देखो ये जो सिंगल बार कोड है यानी ड्यूअल वाला नहीं है, सामने देखो ये जो ड्यूअल बार कोड है यानी सामने सामने दो दो प्रिंट होकर निकलते हैं, ये मैक्सिमम सुपरमार्केट ग्रोसरी के लिए, गारमेंट्स के लिए मोस्टली इस तरीके से सिंगल आते हैं यानी इस तरीके से, ओके। तो ये राइट साइड वाला बार कोड हमको चाहिए नहीं, इसको सीधा सेलेक्ट करिए, आपने डिलीट बटन मार दिए, इसको भी आपने पूरा डिलीट बटन मार दी, जाने दीजिए बस, अभी खाली हो गया पूरा। और सबसे पहले क्या करिए, आपको ये जो साइज मैंने पहले स्केल करके दिखाया था 4 इंच बाई 2 इंच, इसको आपने राइट क्लिक करिए, डिजाइन में जाइए, पेज सेटअप में जाइए, आप उसको साइज पहले डालिए दोस्तों। यहाँ देखिए ये क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल कितना है, वर्टिकल कितना है, हमको वर्टिकल में है 4 इंच और हॉरिजॉन्टल में हमको 2 इंच बस। आपको इसको ओके करिए और इसको नीचे खींच के थोड़ा रख देना, इसको नीचे खींचिए, ये जो 2 इंच में आके बढ़ गया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार एक दो बॉर्डर लगा करके डिजाइन करके एक बार टेम्पलेट प्रिंट करके देख लेना कहाँ आ रहा है उसको, ठीक है जी, उसके बाद हमने फाइनल फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या इसके अंदर डालना है, इसके अंदर राइट साइड में इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करके हमने डाल देंगे इंक्लूसिव ऑल टैग्स, ये कपड़ों में सबसे ज़्यादा यही आता है INC ऑल टैग्स, ओके। तो इसको सबसे ऊपर आपने रखा, सेंट्रल अलाइनमेंट कर दीजिए इंक्लूसिव ऑल टैग्स, और ये छोटा करना तो छोटा कर दीजिए आपने, सब नंबर 7 डाल दीजिए, ओके करिए, ओके। तो ये सबसे ऊपर बैठ गए हैं, उसके नीचे आपको डालना है यानी प्रोडक्ट प्राइस। तो प्रोडक्ट प्राइस के लिए आपको इधर जाना है, डेटा फील्ड में जाना है, बार कोड्स इधर देखो सेलिंग प्राइस बोल के है आपको दिख रहा है, देखिए यानी सेलिंग प्राइस, ये जो है सेलिंग प्राइस आपका सेल्स प्राइस आपको इधर रखिए। तो सेल्स प्राइस इधर आ गया, उसका जो ऊपर वाला हम डिलीट कर देते, इधर आप टाइप कर दीजिए इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ रखिए इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ रखिए, ठीक है जी, इधर रुपीस करके आपने लिखिए RS, ठीक है जी, रुपीस या सिंबल भी आपने कॉपी करके लगा सकता है, जो करेंसी का सिंबल होती है ये लेके इधर रखिए, और सेलिंग प्राइस इधर आ चुका है दोस्तों। यानी आपको इसको प्रीव्यू दिखाता हूँ मैंने, डोंट वरी, इसको आपने लेफ्ट साइड में टिक कर देना। और नेक्स्ट क्या करिए दोस्तों, आपको यानी कलर डालना है, कलर आपको इंसर्ट करिए टेक्स्ट बॉक्स करिए इधर, यानी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कलर में डाल दीजिए, कलर COYELLO और कलर हमने डिस्क्रिप्शन वाला जो एंट्री में किया हुआ था यानी एक्सेल शीट में,
मैंने चाहिए तो एक्सेल शीट और एक बार आपको चाहिए तो दिखा देता हूँ। इधर नीचे है शायद, नहीं नीचे नहीं हो। कलर हमने इधर डालना है तो देखो इधर डिस्क्रिप्शन वाला ये जो बटन है ये क्लियर कोड कॉपी करके इधर रखिए। देखिए इसको इधर रखिए दोस्तों, ठीक है जी। और आपको सेलिंग प्राइस आ गया इधर, और यानी क्या बोलते हैं कलर आ गया, और पार्ट नंबर यानी जो डिजाइन नंबर जो है ना जो भी हम ला लेते हैं। देखिए इंसर्ट टेस्ट बॉक्स डिजाइन नंबर, डिजाइन नंबर आपको कैसा भी लिख सकता है नो प्रॉब्लम। डिजाइन नंबर को भी हमने ला सकता है इधर, देखिए मैं करवा देता हूँ। देखो उसमें वो हमने डिजाइन नंबर पार्ट नंबर के अंदर डाला था, आप इसको थोड़ा सा छोटा करिए बस। और क्या लाऊँ आपको, यानी एक्सेसन कोड चाहिए तो वो भी ला सकता है। प्रोडक्ट का नेम डाला नहीं अभी तक, देखो प्रोडक्ट नेम ये देखो इधर डालिए, सेंटर में डालिए दोस्तों, ठीक है जी। आपको मैंने वेरी सिंपल वे में डिजाइन करके दिखा दे रहा हूँ जी दोस्तों, यानी इतना चीज़ डाला हुआ है हमने। ये प्रोडक्ट नेम का देखो इधर आपने इस तरीके से रखी, या प्रोडक्ट नेम थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगेंगे आपको ऊपर रखने से, इसको नीचे खींच के रखेंगे। प्रोडक्ट नेम आपने ऊपर रख सकता है, ठीक है जी। और यहाँ रखिए, ये जैसा भी आपको माउस से भी खींच सकता है यार, पूरा सेलेक्ट करके भी खींच सकता है। और इधर एक लाइन मारना है, बॉर्डर लगाना है, सबको हम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए इधर राइट क्लिक करके इंसर्ट करके एक यानी लाइन लगा देता हूँ। देखिए प्रोडक्ट नेम का ऊपर इधर एक लाइन लगाया, प्रोडक्ट नेम का नीचे एक लाइन लगाना है, इसको कॉपी करके नीचे भी रख सकता है, इधर रखिए। और सेलिंग प्राइस थोड़ा सा इसको लेफ्ट करना है। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को भी हमने थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं, और डिज़ाइन नंबर को हमने थोड़ा सा ठीक है इस तरीके से रखा मैंने। और इसके नीचे बार कोड और एड्रेस वगैरह सब कुछ आना है, वो भी हम डाल के दिखा देंगे आपको। देखो इसके नीचे हमने और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, इसको कॉपी करके नीचे रखेंगे। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कर दिया मैंने। और इसके नीचे आपको क्या डालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने बार कोड ही डालना है। इंसर्ट करिए, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करिए, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ रखा, और दो स्टार इसके अंदर डालिएगा। देखो किधर स्टार बटन, देखो जो स्टार बटन डाल दिया, उसके बीच में जो बार कोड बोल के जो दिख रहा है ना जिधर, देखिए ये जो बार कोड का फील्ड है इसको ड्रा करके इसके सेंटर में रखिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर देना, इसको पूरा मतलब माउस से इस तरीके से सेलेक्ट कर देना। फिर उसका जो यानी आईडी ऑटोमेशन बोल के जो फॉन्ट है उसको सेलेक्ट करिए, ओके करिए। इसको भी थोड़ा बड़ा करना, बड़ा करिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। इसको साइज़ आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, 8-9 जो भी है सेंटर में कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा खींच लीजिए, ओके। देखिए ब्यूटीफुल बार कोड आया, और उसके नीचे भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। देखिए देखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट यानी लाइन, आप इसको इस तरीके से लाइन बना दीजिए, तो बार कोड एक बीच में आ चुका है, ठीक है जी। और उसके नीचे आपको क्या करना, कुछ लोगो या डिज़ाइन वगैरह कुछ डालना है वो भी कर देंगे हम। उसके नीचे हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स डाल करके अपना मैन्युफैक्चर्ड भाई EMFD बाई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना बॉक्स को, कैसा भी चाहिए तो आपको उसको बड़ा छोटा जो भी करना कर सकता है, अपना खुद कंप्यूटर में कर सकता है, आप अपना PC में सारे कर सकता है जी। Raintech POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का गोल्ड प्रो एडिशन में सारे फैसिलिटी है। इसको हम मेगा गारमेंट्स बॉम्बे नासिक या बॉम्बे लिखो, यानी समथिंग लाइक दैट। आप उसका यानी पिन कोड वगैरह है, यानी फ़ोन नंबर है आपका PHO यानी फ़ोन, यानी कुछ फ़ोन नंबर आप डाल दीजिए 8078311945, और मेल आईडी डाल दीजिए, ईमेल यानी raintechstore@gmail.com, आपका खुद का मेल आईडी डालना, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है मैन्युफैक्चरिंग लिख सकता है उसका, आप जो आपका माइंड में है सब लिख सकता है। raintechstore@gmail.com, ठीक है जी। इसका साइज़ थोड़ा सा आपने चेंज कर सकते हैं, सारे के एक साइज़ में रहे तो अच्छा नहीं लगता है।
इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए और इसका साइज थोड़ा सा 8 में कर दीजिए बस, और इसको थोड़ा सा ऊपर करिए अपने, देखिए ना ब्यूटीफुल। अभी नीचे इसको थोड़ा सा मतलब हमको कुछ पिक्चर पिक्चर डालना है, देखिए पिक्चर वगैरह, देखिए इसको 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 सेलेक्ट करिए। एक क्या है किसका मतलब है मेरे को पता नहीं है, मैंने कुछ पिक्चर लगा करके आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब आपको ये सब कर सकता है, मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए। देखिए ये सब पिक्चर इधर डालना है, आपका लोगो डालना है, आपका लोगो डालिए ठीक है जी, ब्लैक एंड व्हाइट में सब प्रिंट आउट हो जाएंगे। और इसका बॉर्डर बनाना है, सब चारों तरफ उसको राउंड करके बॉर्डर, यानी बॉर्डर चाहिए आपको। इंसर्ट, इंसर्ट आपको इधर देखो यानी बॉक्स, बॉक्स लगाइए आपने, देखिए बॉक्स लगा कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सिंपल वे में आपको बॉक्स बन गया ठीक है जी। और ये जो सब कुछ ये ना थोड़ा सा जूम करके इसको सारे मतलब फिट कर सकते हैं इसके अंदर। हम सबसे पहले एक बार टेस्ट प्रिंट करके देखेंगे किस तरीके से इसका प्रिंट आउट आती है, क्या है कैसा है, उसके बाद हम बाकी एडजस्टमेंट कर देंगे इसका। हमको फिलहाल अभी इस तरीके से एक डिज़ाइन बन चुका है, अभी हम एक बार इसको सेव कर देते हैं। इधर देखो सेव करने के लिए ऑप्शन इधर दिया हुआ है दोस्तों, देखिए सेव का बटन है, आप इसको सेव करिए और इसको क्लोज करिए। और इसका प्रिंट प्रीव्यू किस तरीके से आती है, आप पोलो शर्ट का इधर देखो, पोलो शर्ट आपने इधर डाला था, इसको देखिए, इसको एक बार टिक करके देखिए कौन सा यानी स्टाइल में आती है। देखिए स्टाइल इस तरीके से आती है, तो हमने एक बार प्रिंट करके भी देखेंगे किस तरीके से उसको प्रिंट आउट आती है। तो उसके लिए हमने इधर देखो ये जो प्रिंटर तैयार करके रखा हुआ है, इधर प्रिंट का बटन इधर क्लिक करिए और अपना ये जो प्रिंटर जो है आपका ये वाला प्रिंटर है, प्रेफरेंसेस में जाइए, उसका वर्टिकल हाइट जो है वर्टिकल 4 इंच एंड यानी विड्थ जो है 2 इंच एंड वर्टिकल हाइट जो है आपको 4 इंच यानी ठीक है जी। और इसको ओके करती है और स्ट्रोक में जाकर डायरेक्ट थर्मल करती है और लेबल विथ मार्क्स ओके कर दिया मैंने, अभी अप्लाई कर दिया। प्रिंट देने के पहले हमने अपना कैमरा चालू कर देता हूँ और आपको समझ में आ जाएंगे किस तरीके से इसको प्रिंट आ जाती है। और इसको देखिए आपने, सॉरी एक सेकंड, ये जो मैंने प्रिंटर इधर चालू करके रखा हुआ है अभी आपको दिखा देते शायद, यानी मैंने प्रिंट कर दे रहा हूँ, देखिए किस तरीके से प्रिंट आ रहा है आप देखिएगा दोस्तों। अभी जो प्रिंट आया हुआ है आप देखिए दोस्तों, एकदम ऑलमोस्ट सेम आ चुका है। हमने इधर से थोड़ा सा कट करके इधर रखे दिखा देता हूँ आपको, देखिए इस तरीके से प्रिंट आ चुका है इसको, थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट यानी परफेक्ट तरीके से आया हुआ है। थोड़ा सा उसको मतलब फिनिशिंग करना है, इधर जो एक्सटेंडेड लाइन वगैरह जो भी है उसको फिनिशिंग करना है। आप देखिए दोस्तों एकदम ब्यूटीफुल वे में इसका जो यानी प्रिंट आउट हो चुका है, इसको और स्टाइलिश कैसे करेंगे देखेंगे। तो उसके लिए हमने जाएंगे अपना सॉफ्टवेयर के अंदर ही जाएंगे दोस्तों, इसको क्लोज करिए और एडिटेबल मोड में फिर जाइए दोस्तों। यहाँ देखो आपका एडिटेबल मोड जो रखा हुआ है, क्लिक करिए और इसको एडिट करिए दोस्तों, दोबारा एडिट करके आपको मतलब साइज वगैरह ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट यानी सेम आ चुका है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, 300 में कर दिया ताकि आपको एकदम प्रॉपर तरीके से इसको दिखाई देती है ठीक है जी। इसको ऐसा कर दिया और इसको मतलब थोड़ा सा लाइन वगैरह ना छोटा एक्सटेंडेड बाहर गया, उसको थोड़ा सा मतलब आपने अंदर कर सकता है देखिए, और लेफ्ट साइड को भी थोड़ा गया हुआ है, माउस लगा करके ना इसको थोड़ा सा, तो ये सब कुछ आपने कर सकता है। देखो इधर भी आपने थोड़ा सा ये जो बड़ा हो चुका है इसको भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपको जो यानी स्टाइलिश में आ चुका है। तो ये सब आप देखिए दोस्तों, इतना सिंपल वे में आप अपना जो प्रोडक्ट का बारकोड लेबल बना दिया और आपको जो डिज़ाइन वगैरह सब कुछ चाहिए। तो इसको फिर हम दोबारा सेव करते हैं, इसका मैजिकल मोमेंट आप देखिएगा क्या होगा इसका। अभी जो प्रिंट आउट आ चुका है, ये जो प्रिंट आउट में कलर भी आया हुआ, डिज़ाइन नंबर भी आया हुआ, रुपीज़ इन प्राइस वगैरह सब कुछ आया हुआ है। तो हमने कुछ यानी 5-6 डिज़ाइन का कपड़ा यानी डिज़ाइन किया था। ये देखो ये सारे जितना भी पोलो हैं ये सबका बारकोड एक एक हमने प्रिंट करके देखेंगे कैसे होंगे। ये जो हमने प्रोडक्ट अभी ऐड किया था इतना सारे पोलो शर्ट का, ये कितना है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कपड़ा है। तो सबको हमने एक एक बारकोड प्रिंट कर देती है या लेबल प्रिंट कर देते हैं पोलो शर्ट का सारे ठीक है जी। तो इधर सारे आपने टिक कर दीजिएगा और जो डिज़ाइन आपने बनाया है उसको खोलिए। इसमें क्या होंगे, आप जितना एक ही टेम्पलेट आप बनाया हुआ है इसको डिज़ाइन व्यू में खोलिएगा, यानी प्रिंट व्यू में, सॉरी प्रिंट व्यू में,
देखिए इधर सारे के सारे बार कोड इसके पीछे पीछे आया हुआ दोस्तों, कलर येलो कलर देखो, अलग अलग प्राइस दिख रहे हैं ना जी आपको, देखिए अलग अलग प्राइस भी दिखाई देती है आपको, देखिए इसको मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ, देखिए 1830 1850 येलो है नी, इसको एक बार हमने प्रिंट करके देखेंगे, ये जो प्रिंटर जो भी हमने इसको ये वाला जो प्रिंटर है प्रेफरेंसेस में एक बार देखती है, इसको विड्थ जो है 2 एंड हाइट जो है यानी 4 इंच इसका हाइट है, और इसको ओके करिए और स्ट्रोक में जाके कंटिन्यूस नहीं है लेबल विथ गैप्स और डायरेक्ट थर्मल ट्रांसफ़र, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और प्रिंट आने के पहले अपना कैमरा चालू कर देते हैं। अभी देखो प्रिंट आउट आ जाएंगे दोस्तों, ब्यूटीफुल तरीके से प्रिंट आउट आना चाहिए क्योंकि अपना गारमेंट्स का बिजनेस में पूरा मतलब ब्यूटीफुल बारकोड की ज़रूरत है। आप देखिए दोस्तों ये जो प्रिंट आउट जो आती है, ठीक है जी, ये दो जितना भी देखो ये जो प्रिंट आउट जो आया हुआ है इसका आप एक बार देख लेना दोस्तों। देखिए ये मैंने कट कर देता हूँ, मैंने इधर रख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिए दोस्तों, ये जो ये सबसे ऊपर वाला जो प्राइस है आप देखिए कौन सा ब्लैक कलर है और पोलो टी शर्ट है, ठीक है जी, और इसके नीचे का जो आने का टाइम आपको इसका प्राइस देखिए आपको 1830 है और डार्क कलर है, ठीक है जी, और ये जो ब्लू कलर है और इसका प्राइस 1850 है पोलो शर्ट है, ठीक है जी। सबका बार कोड का नंबर भी अलग अलग है, देखिएगा सारे प्रोडक्ट का बार कोड भी नंबर भी अलग अलग है, ठीक है जी, ये देखिए दोस्तों, ठीक है जी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का आपने यानी बार कोड देखो प्रिंट कर दिया ऑलरेडी, यानी ब्यूटीफुल वे में आपको बार कोड प्रिंट हो चुका है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का बार कोड इतना ईजीएस्ट वे में आपको प्रिंट करके एक टैग में लगा करके अपना कपड़े में टांग सकता है दोस्तों, और जब भी कस्टमर आएंगे हम सीधा वो जो प्रोडक्ट को उठाएंगे उसको स्कैन करके आपको सीधा सेल कर सकता है, यानी ये जो बार कोड में स्कैन करके रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर से बिलिंग भी कर सकता है ब्यूटीफुल वे में। इस तरीके से सारे के सारे फैसिलिटी आपको कवर होंगे दोस्तों अपना रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का गोल्ड प्रो एडिशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।